जालंधर की देहात पुलिस ने 720 पेटी अवैध शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान काजी मंडी के संजय कुमार, राजकुमार और मनोज कुमार उर्फ ज्ञानी के रूप में हुई है। एसपी देहाती बलकार सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी ने फिल्लौर पुल के पास नाकाबंदी करके ट्रक को रोका। ट्रक की तलाशी ली तो उसमें से 720 पेटी स्पेशल विस्की बरामद की है। इसके अलावा जालंधर के केसीआई के देहात के इंस्पेक्टर शिव कुमार द्वारा कंगनीवाल गांव के सुआपुली के पास तीन चोर के गिरोह को 3 एलईडी, 2 मोटरसाइकिल और घरेलू सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। जालंधर देहाती पुलिस ने फ्लावर पुल के उत्ते नाका लगाया सीगा, जिस ते निगरानी जी डीएसपी डी साहब की सी और उत्थे सीआईए वन की साड़ी टीम सी, सात नंबर सब इंस्पैक्टर सीगा और एक ट्रक आ जिन्हों रोकया, इशारा किया और 720 पेटियां जी नजायज शराब बरामद की और दोषी जिहड़ा उसनों असी गिरफ्तार किया। बलवंत सिंह नाम का दोषी सीगा जिहड़ा पट्टी का रहने वाला सीगा। ते उस तो बाद उन्होंने पुलिस जुडिशियल जज ने पेश किया और 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया। मारका है अपना अरुणाचल प्रदेश का मारका है, अरुणाचल प्रदेश से शराब आती है। शराब बाहरले स्टेट चो ही लैके आए थे और जरा लैके जा रहे थे वो यदा 2 दिन का रिमांड पुलिस रिमांड हासिल किया। हूँ यदि पूछताछ करेंगे फर्दर अगे व्यक्ति कितने का रहने वाला है नी, ये पट्टी का बलवंत सिंह बैकग्राउंड की है। बैकग्राउंड ड्राइवर हैगा, पहला कोई मुकदमा पहला इहदा कोई मुकदमा नहीं। नाका लगाया शिव कुमार ने, जिथे 3 जिहड़े चोर सीगे गिरफ्तार किया और जिन्हां तों LED 3 बरामद कीतियां हैगियां और मोटरसाइकिल 2 बरामद किए, 1 सिलेंडर चोरी का बरामद है। इन्हां बंदियां ने काफ़ी ज़्यादा वारदातें कीतियां हैगियां और ये जिहड़े दोषी हैगे आ राज कुमार हैगा और संजय कुमार, इन्होंने करीब 10 तो 15 मुकदमे दर्ज है। एक दोषी मनोज कुमार हैगा वो खिलाफ़ करीब 2 मुकदमे दर्ज है और जिन्हों असी गिरफ्तार करके जरा इस अदालत पेश करके रिमांड हासिल कर रहे हैं।